हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, असम में और जो है नए 10 डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है। इस बारे में तो आप लोगों को सभी को पता होगा, लेकिन ये डिटेंशन कैंप जो है किन किन जगह पे, किन किन डिस्ट्रिक्ट पे बनने जा रहा है, इस बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है असम का किन किन जो है जगह पे, किन किन डिस्ट्रिक्ट पे ये डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अभी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, ताकि नया नया इन्फॉर्मेशन, छोटा बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए जान लेते हैं किन किन जगह पे ये डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी देखिए, ये न्यूज़ कुछ दिन पहले आया था। ये भी देखिए, 10 न्यू डिटेंशन सेंटर्स टू बी सेट अप इन असम। तो यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है कि जो है 10 न्यू डिटेंशन सेंटर जो है असम में बनने जा रहा है। तो किन किन जगह पे बनेगा, यहाँ पे देखिए, द साइट्स आर शिवसागर, नौगांव, करीमगंज, नलबाड़ी, नॉर्थ लखीमपुर, हाफलंग, गुवाहाटी, बरपेटा, ग्वालपाड़ा एंड तेजपुर रेस्पेक्टिवली। ईच ऑफ द सेंटर वुड बी एबल टू जो है हाउस अराउंड 3000 इनमेट्स। तो ये बताया गया कि शिवसागर, नौगांव, करीमगंज, नलबाड़ी, नॉर्थ लखीमपुर, हाफलंग, गुवाहाटी, बरपेटा, ग्वालपाड़ा एंड तेजपुर पे जो है ये डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है। और हर जो डिटेंशन कैंप में जो है 3000 लोग जो है यहाँ पे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला था कि किन किन जगह पे ये डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है, या आप लोगों के मन में सवाल भी होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एनआरसी के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।